षोडश दिनात्मक पूजार आज हे द्वितीय दिवस आउ ये द्वितीय दिवस रे प्रथम ये शरत प्रभात रे आपण मानंकु समस्त को चंडीपाठ कार्यक्रम रे स्वागत जनैला बेले आज हे माँकर जो सप्तशती चंडीर पाठर जो क्रम रही से क्रम अनुसार आम आज हे तो पाठ करवा कवच किंतु से क्रम एमितिका क्रम जो थे माँकर छटी लक्षण बा छटी अंग ये सप्तशती पाठ कराए से कवच अर्गल आउ किलक एमाने तीनोटी अंग होइथिला बेले तीनोटी अंग होइथांती रहस्य तेणु आज प्रथमे आमे कवच पाठ करिबा माँकर उद्देश्य रे आउ ए जो छटी अंगर पाठनर विधि अछि ये विधि रे हुए तो परंपरा अनुसार केतेक जगार मतांतर आ मनांतर देखा जाए तेबे आमे आपण मानक सम्मुखरे जो विधि रखिछु से विधिर पाठ विधि होउछि उत्कलीय परंपरार विधि आउ से विधि अणा जाइछि जोगरत्नावली अनुसार बा जोगरत्नावलीर अनुसरण रे आमे से पाठ विधि आज आपण मानक सम्मुखरे रखिबु आउ आजिर पाठ विधि रे सेई माँकर उद्देश्य रे आमे रखिबु कवच आउ माँकर कवच पाठ करिबा पई आम गहण रे उपस्थित अछन्ति पंडित महोदय तांग ठारु श्रवण करिबा देवी कवच ॐ जय दुर्गाय नमः ॐ जय दुर्गाय नमः ॐ जय दुर्गाय नमः अतः दिव्या कवचम् ओङ्गस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासक्तमातर बीजम दिग्बंधा देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठंगत्वेन पाठे विनियोगः माँ चंडिकांकर उद्देश्य रे प्रथमे नमस्कार आउ ये होची माँक निकटरे अंगन्यास आउ से अंगन्यासर विधि अनुसार आम पाठ करिबा माँक निकटरे माँ जगदम्बांकर प्रत्यार्थरे कवच ओम नमः चंडिकाय मार्कण्डेय उवाच वंग जातगुरु जम परमंगलोके सर्वरक्षा करणुणां जनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह प्रथमे एठि मार्कण्डेय महामुनि माँकु पचारुछन्ति माँकर उद्देश्य रखिछन्ति प्रश्न मार्कण्डेय महामुनि पचारुछन्ति काहांकु ना पितामह ब्रह्माकु वेदपति ब्रह्माकु पद्मजनी ब्रह्माकु चतुरानन ब्रह्माकु मार्कण्डेयंकर प्रश्न हे पितामह हे चतुरानन हे वेदपति आपण मते बतई दियंतु कौन एमितिका रहस्य अछि जो रहस्य आपण काहाकु केबे कहि नहंती जो रहस्य नित्यांत गोप्य से गोप्य रहस्य को मो आगरे प्रकाश करंतु ब्रह्मोवाच अस्ति गुज्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा चतुरानन ब्रह्मा ये सृष्टिर आद्यकर्ता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आज कहुछन्ति हे महामुनि शुणवा हूँ जहाँ मुझे तुम सम्मुखें कहवाक जाऊँ ताकि परम गोप्य आउ से गोप्य जिनस हूँ माँकर कवच प्रथमं शलिपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् ये कवचर अयम आरंभ करिबाकु गला बळे प्रथमे ब्रह्मदेव कहुछन्ति हे मार्कण्डेय महामुनि हे मुनि श्रेष्ठ श्रवण करिबा हुंतु ये माँकर जो नवरात्र पूजा ये नवरात्र पूजा रे माँकर होछि नौ गोटी रूप से नौ गोटी रूपरु प्रथम रूपरे माँ होछन्ति शैलपुत्री द्वितीय रूपरे माँ ब्रह्मचारिणी तृतीय रूपरे माँ होछन्ति चंद्रघंटा एवं चतुर्थ रूपरे माँ होछन्ति कुष्मांडा पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं सेइ क्रमरे पूर्णि कहुछन्ति पितामह पंचम रूप होछि माँकर स्कंदमाता रूप स्कंद कहिले कार्तिकेय स्कंदमाता भावरे माँ पूजिता पुणि षष्ठ रूप माँकर कात्यायनी सप्तम रूप होछि माँकर कालरात्रि एवं महागौरी होछि माँकर अष्टम रूप बा अष्टम दिनर रूप नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना
भगवान पाखे समर्पण करने को गला बेले ब्रह्मदेव कहते माँ का नवम दिवन रूप हूँ नवम दिवस रूप हूँ सिद्धिदात्री माँ हूँ नवदुर्गा भाव प्रकृतिता एवं ये माँ का ये जो नौ गोटी नाम आ नौ गोटी रूप ये हूँ जगत पूजिता आ ये हूँ माँ का नवरात्रि विधान रूप अग्निनाद्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गता। जो मनुष्य अग्नि दग्ध होती शत्रु मानक द्वारा पराहत होती विषम समय पड़ी रण से पराजित होती दुर्गम संकट समय अच्छी से समय जी माँ को शरण जा माँ का पाखे शरणार्पन्न हो डाकी माँ बोली थे निश्चित माँ तार दुख शुणी नते संजयते किंचित दशु भ्रमरण संकटे ना पदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि। जो माने भक्ति रे देवी को स्मरण करिथांति जे मानकर निश्चित भाव रे मां का पाखरे भाव अभ्युदय होइथाय आ से देवेश्वरी समस्तन को चिंतन करिथांति एवं निसंदेह रक्षा करिथांति ए होचि दैविक वचन प्रथम वाक्य। जस्तु भक्त्या श्रुतानूनं तेषा बुद्धि प्रजायते जे त्वं स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय। जे माँ को जो समय रे जे भली भाव रे स्मरण करिछि से माँ निश्चित भाव रे ताकु रक्षा करिछि एथिरे कौनसी प्रकार संशय नाही द्विधा नाही द्विरक्ति मध्य नाही। प्रेत संस्थादु चामुंडा बराही महिषासनाम ऐन्द्रिय गज समारोढ़ा वैष्णवी गरुड़ासनाम। बाहन संपर्क रे कहिबा को जाई ब्रह्मदेव कहुचंति चामुंडा देवी प्रेत उपरे आरूढ़ा थांती बाराही महिषा उपरे आरूढ़ा थांती ऐन्द्रिय देवींकर बाहन ऐरावत हस्ती होइथला बेले वैष्णव देवी गरुड़ासना होइथांती ए होचि बाहनर संज्ञा। महेश्वरी वृषारूढ़ा कुमारी शिखी बाहनाम लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। जेतेबेले माँ शिखी बाहना बा मयूर उपर वास करिथिला बेले जेतेबेले माँ होछंती स्वयं महालक्ष्मींकर स्वरूपा से होछंती पद्मासना तेणु ये माँकर आसनर विधि सहित माँ सदा सर्वदा त्रिरूपरे विराजिता। श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। श्वेत रूप भाव विराजमान करिछंती माँ ईश्वरी ब्राह्मी देवी हंस उपरे विराजमान करिथिला बेले समस्त प्रकार आभरण युक्ता होइथांती माँ। इतिता मातर सर्वा सर्वजोग समन्विता नाना भरण सुवाड्या नाना रत्नोपशोभिता। किए बा माँकर रूप को वर्णना करिब से रूप वर्णना करिबा अवर्णनीय एवं अधमरे भावाधन सदृश होइथाय तेणु से माँ का रूप वर्णना करिबा को आमे बा कलिहत मानव केते समर्थ से माँ होछंती अपूर्व भाव रे सुशोभिता नाना प्रकार रत्न रे सुशोभिता से मार चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुषलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंता युधं त्रिशूलं च संगमायुधमुतमं। ये देवी माने समस्ते ये समस्त देवी माने क्रोधापन्ना देखा जाउचंती विभिन्न प्रकार अस्त्र धारण करिछंती किए शक्ति धारण करिछंती त किए हल धारण करिछंती किए मुसल धारण करिछंती त किए गदा धारण करिछंती पाश धारण करिछंती कुंत धारण करिछंती त्रिशूल धारण करिछंती सांगधनु धारण करिछंती। ये सब धारण करिबा द्वारा ये देवता मानंकर भय हरण करिछंती समस्त दैत्य कुल को विनाश करिबा को समर्थ होइछंती देवी माने पुणी ये सकल जगत को भय शून्य कराई सकल जगतर मंगल विधान रूप रे माने आविर्भूता होइछंती। दैत्यानंद नाशाय भक्ता नाम भयाय च धारयन्ता युधनेत्थं देवानं च हिताव्यये नमस्ते तो महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोच्चाये महाभय विनाशिनी। सकल जगतर जहाँ रही नियम जो नियम बल धर्मर संस्थापन करवा हूँ सकल दैवतार गुण एवं दैवतार परिचय से ही धर्मर संस्थापन करी अधर्मर विनाश करवा हूँ ये दैवी शक्तिर कार्य आउ से ही दैवी शक्तिर बल सकल असुर शक्ति को विनाश करी देवता मानंक अभय प्रदान करी धर्मर संस्थापन करी ये माँ आज जगत रे आविर्भूता होती एवं से माँ चरणार बिंद तले आम अर्पण करुछु शतकोटि प्रणाम। त्राहि मंग देवी दुष्पेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्रच्यंग रखे तो मम इंद्री अग्नि जमग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नरु त्यं खड्गधारिणी प्रतिचंग वरुणी रखे भय व्यंग मृग वाहिनी। हे माँ तुम्हें मत सकल विपद रक्षाकारिणी हो
तुम्हें मोर सकल विपद को हरण करनी बा समस्त भय को दूर कर तुम्हें ही मोर रक्षाकर्त्री साज आउ रक्षाकर्त्री साजिला बेले बा तुम्हें मत कौ कौ जगार रक्षा कर ना पूर्व दिगरे माँ ऐंद्री देवी मत रक्षा करतु अग्निकोण से अग्निशक्ति दक्षिण दिगरे बाराही नैत कोण से खड़गधारिणी मत रक्षा करवाशुलधारिणी ऊर्धं ब्रह्माणि मे रक्षे धस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया मे चक्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं चतुर्कोण को मिसई अध उध को मिसईले हुए दश दिग आउ ये दश दिगरे दश देवी मते रक्षा करिबा हंतु कौमारी मते रक्षा करंतु उत्तर दिगरे ईशान्य दिगरे माँ शूलधारिणी रक्षा करंतु ऊर्ध को रक्षा करंतु माँ ब्रह्माणी एवं वैष्णवी रक्षा करंतु अध दिग को यही भाव में दश दिश को रक्षा कर माँ शववाहना चामुंडा मते सदा सर्वदा बरदायी हंतु प्रसन्न हंतु अजितावं पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिताम् शिखामयदुतिनि रक्षे दुमा मुद्नि व्यवस्थिताम् माला धरि ललाटे च भ्रुर रक्षे जसस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुमध्ये जवघण्टा च नासिके वाम पार्श्वको मा अजिता दक्षिण पार्श्वको अपराजिता ब्राह्मणर शिखा होची तार सर्वस्व तेणु शिखारे मुद्योतिनी देवी रक्षा करिथिला बेले माळाधरी भावरे ललाट को रक्षा करंतु भ्रुव रक्षा करूथंतु जशस्विनी यही भावर उच्चाट भितरे माँ त्रिनेत्रा माँ जगदम्बे माँ करुणामयी करुणावाश्चल्यमयी तुम्हें सकल जगतर रक्षाकर्त्री साज माँ रक्षाकर्त्री साज शंखिनी चखीश्वर मध्ये श्रुत योदुरवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करीं नासिकायं सुगन्धा च उतरुष्ठे च चर्चिका अधरे चमृतकला जिवयं च सरस्वती हे शङ्खिनी देवी तुम्हें मोर दुई चक्षु को रक्षा करूला बेले मोर नासा को रक्षा करवा हंतु शंकरी देवी कपाल को कालिका रक्षा करूला बेले सुगंधा उत्तर अष्टरे चर्चिका एवं अधर से अमृत कला विराजमान करंतु एवं जिह्वाग्रे माँ सरस्वती सदा काले तुम्हें विराजिता है थमा हे बागवादिनी तुम चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम माँ शतकोटि प्रणाम दंतान रखे तु कुमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाखी चिबुकम रखेत बाचंग मेश्र मंगला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी दंत को रक्षा करी थन तो माँ कौमारी कंठ देशर विराजिता हंतु माँ चंडिका चित्रघंटा विराजिता हंतु तालुरे रही महामाया रक्षा करिथंतु कामाक्षी चिबुक्क को रक्षा कला बेले सर्वमंगला मो बाणी को रक्षा करंतु यहाँ ही महत्व चरणारविंद तले मोर कामना नीलग्रीवा वही कंठे नलिकं नलकोबरी स्कंदयो खड्गिन रखे बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दंडिन रखे दंबिका चंगुली सुच नखांचुले सुली रखेत कुखौ रखेत कुलेश्वरी कंठर बहिर्भाग को रक्षा करंतु मानिल अग्रीवा कंठर बहिर्भाग रे मानिल अग्रीवा बसीथिला बेले दुई स्कंध को रक्षा करंतु मा खड्गिनी पुणी भुज को चक्रधारिणी रक्षा करंतु दुई हस्त को रक्षा करूथंतु दंडिनी अंगुली को रक्षा करूथंतु चंबिका एवं नख को रक्षा करूथंतु मा शूलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कमिनी रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा पुतना कामिका मेढ्रं गुदे महिष वाहिनी मनुष्यर जन्म मातृगर्भर होता बेले अमृतर वक्ष धारण करिथाए से स्तन जुगल आउ से स्तन जुगल को रक्षा करने शोक विनाश करने हे देवी तुम्हारी चरणारविंद तले शतकोटि प्रणाम ज्ञापन करा बेले माँ ललिता तुम्हें हृदय बासस्थान कर हे शूलधारिणी तुम्हें उदर में रही मत रक्षा कर नाभि को रक्षा करंतु माँ कामिनी गुह्य भाग में गुहेश्वरी विराजमान करथंतु एवं कामिका लिंग को रक्षा करने हे महिष बाहिनी तुम्हें गुदा माँ मलद्वार को रक्षा करने को सहाय होता माँ तुम्हारी चरणारविंद तले यही भाव रे प्रणाम मा कट्यांग भगवती रखे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रखे रखे सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयो नरसिंही च पादपुष्टे तु तेजसी पादंगुली सुश्री रखे पादाधस्थल वासिनी समग्र शरीर को कवच मध्यरे बांधि रखिथिला बळे कटिदेश को रक्षा करंतु माँ भगवती जानु को रक्षा करंतु माँ विंध्यवासिनी जंघ को रक्षा करंतु माँ महाबला एवं गुल्फयरे नारसिंही पाद विराजमान करिथिला बळे पादपृष्ठरे माँ अधस्थल वासिनी विराजमान करंतु एही भळी भावरे माँ तु मोर रक्षाकर्ता हेइथा माँ रक्षाकर्त्री हेइथा नखांडस्ट्रा कराळी च केशांश्चैवोर्ध्व केशिनी रोमकूपेषु कुबेरी त्वचं भागेश्वरी तथा
ये शरीर तत्व को वर्णना करिबा को गला बले हे मा हे सर्वकामिक हे मा जगत व्यापिनी हे कृपा वात्सल्यमयी तुम्हें मोर सकल शरीर बाह्य को रक्षा करूला बेले अभ्यंतर को मध्य रक्षा कर मो शरीर अभ्यंतर रक्त मांस मजा अस्थि ये सबुर रक्षार स्वरूप माँ तुम्हें विराजिता होता आउ से विराजमान पादजुगल भितरे मु स्मरण करू थाए मनन करू थाए रटन करू थाए माँ तोर से दिव्य रूप को पद्मावती पद को से कफे चूड़ा मनिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालम अभिद्यासंधिशु शुक्र मर्माण निरखे छायन छत्रेश्वरी तथा अहंकार मन बुद्धि रखिन मे धर्म धारिणी प्राण पानो तथा व्यान मुदनम च समानकम वज्रहस्ता च रखे प्राणन कल्याण शोभना। माँ तू जगत कल्याण मई तू हूँ मो प्राण रक्षा कर्त्री माँ ये जगत रे जहाँ किसी अच्छी ये जगत रे जदि भी मो सृष्टि होती माँ सब तोरी करुणारू संभव होती ये शरीर जदि धारण करी केवल तोरी करुणार धारण करी माँ ये शरीर भितर थिबा जो पंच महाभूत ये सब तोरी करुणारू माँ रक्षाकर्त्री साजिता माँ तू ये पंच महाभूतर एवं मनीष भितर जो अहंकार अच्छी मोर जो मन अच्छी मोर जो बुद्धि अच्छी ये सबुर रक्षाकारिणी भाव रे तू धर्मधारिणी साजिता माँ धर्मधारिणी साजिता रस रूपे च गंधे च सद्वशस्य च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षे तु वराही धर्म रक्षे तु वैष्णवी जसः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि रक्षेत् पशुन् मे रक्षे चण्डिके पुत्रं रक्षे महालक्ष्मी भार्यं रक्षे तु भैरवी। ये जगत रे मो बासवास करिछि मा सामाजिक प्राणी मो मनुष्यटे कलिहत मानव मोर एटी संसार अच्छी स्त्री अच्छा पुत्र अच्छी ए सकल जगत भितर मु तोरी शरणापन्न होती समग्र परिवार तोरी शरणापन्न होता बेले मो आयु को रक्षा करने माँ बराही तुम्हारी चरणारविंद तले शतकोटी प्रणाम ज्ञापन करुच्ची धर्म को रक्षा करूँ माँ वैष्णवी जस कीर्ति लक्ष्मी ये धन विद्या सबको रक्षा करने माँ तोरी चरणारविंद तले शतकोटी प्रणाम जनाऊला बेले महालक्ष्मी दायित्व में मोर सकल संपर्क को मोर प्रिय प्राण प्रियतम भार्यंक मध्य संपन्न करुचे। पंथा नाम सुपथा रखेन मार्गं क्षेमं करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः रक्षायनं तु जस्तानं वर्जितं कवचेन तु तस्सर्वं रक्षमे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभात्मनः कवचेनावृतनित्रं यत्र यत्रैव गच्छति। हे मा ये संसार भितरे बसवास करुथिला बळे जदि केबे कोनोसी त्रुटि वशतः राजद्वार ढड़ा होगा पड़े माँ माँ महालक्ष्मी तुम्हें विजया स्वरूप मत सर्वदा राजद्वार रक्षा कर जदि मु रक्षा करने कौन सी अंग छाड़ थाए माँ बाह्यंतर होभ्यंतर हो मनीष भितर बसवास करुवा ये शरीर भितर या अहंकार मन बुद्धि सहित जदि कौन प्रकार त्रुटि विच्युति कौन अंग को छाड़ी माँ सबु अंगर रक्षाकर्तृ स्वरूप हे माँ विजय प्रदायिनी जयंती तुम चरणार बिंद तले शतकोटी प्रणाम ज्ञापन पूर्वक तुमको ही ध्यान करुचि माँ हे जयंती तुम्हें सदा काले सबु समय मत ही रक्षाकारिणी होता तुम्हें मोर पापनाशिनी होता माँ जदि कौन जगार त्रुटि अच्छी विच्युति अच्छी केवल से ही त्रुटि विच्युति को क्षमापन्न हो हे माँ जयंती तुम्हें सकल पापनाशिनी हो रक्षा करती साज तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिक जंग जंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमातुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे सुपराजितः त्रैलोक्येतु भवति पूज्यः कवचेनः मृतः पुमान इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं जपठेत् प्रयतो नित्यं त्रिशन्ध्यं सदयान्वितः। पितामह ब्रह्मा मार्कण्डेय ऋषिंग सम्मुखरे प्रकाश करिबाको गला बेले कहुचन्ति हे मुनिश्रेष्ठ केवल ये निर्देश तुम पाइ नुहे ये निर्देश होची सकल कलिहत मानव ये सकल जीवजगत पाई निर्देश ये मांकर कवच पाठ करी जो कर्म जीए जेतबले जो समय रे जो मुहूर्त बाहर को गोड़ काढ़ी सबुथिरे विजय विजय आओ विजय ये माँ निजे होती विजया तेणु ये माँ कवच पाठ करी गला बेले पराजयर ग्लानी ना पराजयर देशमात्र लेशमात्र चिन्ह आ वर्ण मध्य दैवी कला भय तस्य त्रैलोक्यो सुपराजितः जीवेत वर्ष शतम साग्र मम मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधय सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृतिमं चापि जति विषम।
अविचारिणी सर्वाणी मंत्र जंत्राणी भूतले भूचरा खेतराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। खाली सेतिकी कहू नहंती, पितामह ब्रह्मा कहुचंती हे मार्कंडेय महामुनि श्रवण करिबा हुंतु। ये कवच जदि भी आपणको विजय कामिक होइथाय, ये कवच खाली विजय कामिक हुएनी। ये कवच पाठ करिथिबा व्यक्ति दैवी कला संपन्न हुंती। ये कवच पाठ करिथिबा व्यक्ति त्रैलोक्य विजयर बार धारण करंती। ये कवच पाठ करिथिबा व्यक्तिंकर घरकु बा व्यक्तिंकर संसार भितरकु अपमृत्यु आसेनी। केवल ये कवच जे केवल मनुष्य मानंक पई कार्यकारी होइथाय ता नुहे। ये जीव जगत रे सृष्ट होइथिबा ये जीव जगतर 84 कोटी जीवजनी एवं ये जीव जगत रे बसबास करुथिबा जलज अंडज उद्भिदज मनुष्यज सकल प्रकार जीव जगत पई ये कवच फलप्रद होइथाय एवं समस्तंक पई ये कवच निश्चित भाव रे फलदायी शुभदायी लाभदायी और मंगलदायी हुए। सहजा क्लोजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरव दया नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मारुनति भरद्राज्ञ तेजबुधि करम परम। केवल सेतिके नुहे हे मार्कंडेय महामुनि या मध्य श्रवण करंतु। जो माने डाकिनी साकिनी प्रेत पिशाच जक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर जो मानंकर स्थिति धरापृष्ठ रे अछि, जो मानंकर स्थिति धरापृष्ठ रे मध्य नाही, जो माने हुए तो मोक्ष प्राप्ति आशारे अछंती, जो माने हुए तो ये शरीर को धारण करी सुद्धा ये शरीर को लाभ करी सुद्धा ये शरीर उपयुक्त मार्ग रे विनियोग न करि पारि आज हुए तो प्रेतलोक रे भ्रमण करछंती। सेमाने जदि भी कौनसी भाग्यवशत ए कवच शुणिबा हुंती बा ए कवचर श्रुति जदि सेमानंकर कर्ण कुहर रे प्रवेश करे सेमाने मध्य मुख्यदायी हुंती एवं सेमानंक पई मध्य ए कवच विजय कर्मिकर वार्ता आनी दिए। जससा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपे सप्त सती चंडी कृत्वा तु कवचं पुराम जापद भूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम संतति पुत्र पुत्रिकी। ये जो कवच अच्छी ये कवच को जी जिते पाठ करी प्रत्येक दिन कलिहत मानव ता घरे बा गृहे गृहे प्रत्येक घरे घरे जदि कवच पाठ करा जाए तेबे सकल कीर्तिराज रे भूमंडित हुंते भूतल रे आउ ये सप्तशती पाठ करिबार विधि रे ये कवच को पूरा करी सप्तशती चंडी पाठ करा जाए पुणी जावत भूमंडल रे ये भूमंडल रे जते दिन पर्यंत ये मनुष्य हुए तो संसार भोगी जीव जते दिन जा बास करुथाय सेते दिन पर्यंत सुख सुख आउ सुख ही भोग करे। देहं दे परम स्थानम जत सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परम रूपम शिवेन सहमोदते ओ। ये कवचर महिमा एते बंचीला बेले मनुष्य को जेतिक विजय कामी करैथा बंचीला बेले हुए तो मनीष जेते प्रकार ऐश्वर्य लाभ करिथाय ये कवच मनीष को मोक्ष प्रदान करिबा सहित मृत्युलोक मोक्षदायी होता है मृत्युलोक वैकुंठ कामी कराए तेणु ये कवच सदा काले काले पठनीय आउ ये कवच होउछि मांकर रक्षार वार्ता देइथिबा ए कलिहत मानव पई रक्षा कवच साजु। आजिर कार्यक्रम को दुर्गार्पण मस्तु करिबा को गला बळे ए कवच सहित मांकर चरणारविंद तळे भक्तिपूत सश्रद्ध नमस्कार जणै सश्रद्ध नमस्कार जणै आजिर ए कवच पाठ को पूर्ण करूछु। दिव्या कवचम श्री दिव्या अर्पणमस्तु शरणं मम।